नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर माइंड टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसा एक प्रोफेशनल कार स्कैनर देखने वाले हैं जिस कार स्कैनर में आपको काफ़ी सारे स्पेशल फंक्शन मिल जाते हैं, जैसे कि की प्रोग्रामिंग, इमोबिलाइजर प्रोग्रामिंग, ABS ब्लीडिंग, इसके साथ आपका इंजेक्टर कोडिंग वगैरह जो भी फंक्शन है, DPF रीसेटिंग वगैरह। इसके अलावा आपको इसमें ऑनलाइन प्रोग्रामिंग और ऑनलाइन कोडिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। और इसका जो कवरेज है वो लगभग जितनी भी ब्रांड्स है, जितनी भी कंपनियां है, वो इसमें आपको मिल जाते हैं, जैसे कि इंडियन है, मारुति, टाटा, महिंद्रा वगैरह सब मिल जाते हैं, इंटरनेशनल जो भी है वो सब कंपनियाँ इसमें आपको मिल जाते हैं। तो जिस स्कैनर की मैं बात कर रहा हूँ वो स्कैनर ये स्कैनर है, थिंकडाइक। तो ये जो स्कैनर का बॉक्स है इसको हम अभी अनबॉक्स करेंगे, इसमें क्या क्या मिलता है, कैसा लुक है उसका ये देखेंगे, इसके बाद हम उसको यूज़ करके भी देखेंगे। तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपको ये मेन स्कैनर मिल जाता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह इसका लुक है और ये वाइट पट्टी देख रहे हो, इसमें LED जलता है, वो भी दिखाऊँगा मैं आपको। इसके साथ ये बॉक्स है और इसमें कुछ आपको ऐप वगैरह कैसे इंस्टॉल करना है, यूज़र्स मैनुअल ही कहिए, ठीक है, वो कैसे उसके एक्टिवेट करना है, सीरियल नंबर वगैरह डाल के वो आता है और इसमें सीरियल नंबर वगैरह रहता है, वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है तो इसलिए मैं वो दिखा नहीं पाऊँगा कैमरा में, ठीक है। तो सीरियल नंबर एक्टिवेशन कोड रहता है तो वो इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो अभी इसमें मैं लगाऊँगा OBD पोर्ट में, इसके लिए मेरे पास ये एक्सटेंशन कॉर्ड है, एक्सटेंशन कॉर्ड में मैं लगा देता हूँ और हमारे जो OBD पोर्ट है कार की उसमें कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो कनेक्ट करने के बाद आप देख पा रहे होंगे एकदम मस्त दिखता है दिखने में, जो इसका LED वगैरह है एकदम मस्त दिखता है और ये रंग भी बदलता है जैसे आप स्कैन करोगे, ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा वगैरह तो अलग अलग कलर में ये आपको मिल जाता है। तो इसका जो ऐप है वो थिंकडाइक प्लस नाम से ऐप है, वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या फिर आईफोन यूज़र है तो उसके लिए भी इसका ऐप अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐप मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, उसमें आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो वो अकाउंट भी मैंने बनाया है, ईजी है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। और हमने कनेक्ट कर दिया है। आपको इसमें सबसे पहले क्या क्या मिलता है ये दिखाता हूँ, कौन कौन से ब्रांड मिलते हैं। और इसका सबसे अच्छा जो ऑप्शन है विन डिकोडिंग, मतलब आपको जो कार का आपके मतलब कौन सी कार है, कौन सा मॉडल है, कौन सा इंजन लगा हुआ है इसमें, वो नहीं डालना पड़ता। विन डिकोडिंग पे क्लिक करोगे तो विन नंबर से अपने आप कौन सी कार है वो पहचान लेता है स्कैनर। तो सब कार में ये एप्लीकेबल नहीं रहता, कुछ कार में रहता है, ठीक है, जिनका भी नंबर वगैरह मतलब इंटरनेशनल जो जो कार है उसमें लगता है, इंडियन कार में ज़्यादा काम नहीं करता। तो इसमें आप देख पा रहे होगे बहुत सी कंपनियाँ, ऑडी, फोर्ड, बहुत है, आप ही देख लो, पूरी आपको दिखा देता हूँ। और इंडियन भी सब है, शेवरलेट है, ये देखो सुजुकी है, CH सुजुकी में, मतलब चाइना सुजुकी, डीओ तो अभी आउटडेटेड है, ठीक है, लेकिन सब कंपनी आपको मिल जाती है। और मैंने लगभग एक महीना हो गया मैंने यूज़ किया, ये देखो मैंने 17 फरवरी को एक्टिवेट किया था, उसके बाद एक महीना हो गया मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो स्कैनर है ये आपको 10,000 रुपये में इसका बेसिक वर्जन मिल जाता है और 10,000 रुपये के स्कैनर में आपको सिर्फ एक ब्रांड मिलता है इनमें से कोई भी। और अगर आपको एक ब्रांड परचेस करना है तो लगभग $39.5 मतलब $40 आपको पे करने पड़ते हैं एक ब्रांड के लिए। और इनका पैकेज भी रहता है, एक साल का, दो साल का पैकेज, यह है मारुति इंडिया है, ठीक है। इसका अपडेट आया है तो अपडेट आ जाता है तो ऑटोमेटिक अपडेट भी मिल जाता है आपको, एक साल का लेते हो तो एक साल मिलेगा, दो साल का अभी कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया है तो रेगुलर एक साल का ही मिलता है। ये देखो टाटा इंडिया वगैरह, ये सारे कार के ब्रांड इसमें मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको मेंटेनेंस फंक्शन भी मिल जाते हैं, तो बहुत सारे मेंटेनेंस फंक्शन है जैसे कि रीसेट, DPF, इमोबिलाइजर रीसेट, EGR रीसेट, ऑटो सस्पेंशन रीसेट, यही रीसेट बॉक्स मतलब गेयर बॉक्स रीसेट कहते हैं, सिर्फ नाम अलग है। ये जितने भी आपको ज़रूरी है, जितने भी मतलब स्कैनर में रहते हैं प्रोफेशनल स्कैनर में, वो सारे रिपेयर फंक्शन, मेंटेनेंस फंक्शन आपको इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सब मैंने परचेस किए हुए हैं, परचेस करना वगैरह रहता है तो इधर से आप परचेस कर सकते हो। और ये भी है, ये देखो थिंकडाइक वर्ल्ड फर्स्ट स्कैनर फॉर टेस्ला, मतलब टेस्ला कंपनी जो है अभी मतलब रिसेंट ही कंपनी है, उसका वर्ल्ड का सबसे पहला स्कैनर है जिसमें आपको टेस्ला कंपनी का भी ऑप्शन मिल जाता है, टेस्ला कंपनी भी मिलती है, तो वो अभी फ्री दे रहे हैं एक साल का आप पैकेज लेते हो तो ये पैकेज भी रहता है इनका, वो भी आप परचेस कर सकते हो एक साल का पूरा पैकेज, सिर्फ आपको कंपनी चाहिए विदाउट रीसेट फंक्शन के रीसेट, काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं, आपके हिसाब से वो आप परचेस कर सकते हो। इसके साथ इसमें आपको टूल भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, ये देखो ये बैटरी टेस्टर मिल जाता है या फिर
TPMS टूल मिल जाता है, वो भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। ये देखो थिंगी जी, ये बैटरी टेस्टर TPMS, तो वो टूल हमारे पास नहीं है अभी, ठीक है। अपने हिसाब से आप ले सकते हो, और ये इंडिया में ये लगता भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। इसमें 24 वोल्ट जो ट्रक वगैरह है उसमें भी एक अलग डिवाइस आता है, वो भी आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये मेरे वेंटो है, वेंटो में मैंने लगाया है। अभी हम कार स्कैन करके देखते हैं, ठीक है। तो कार स्कैन करने के लिए हमें कार ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक पे जाना पड़ता है, ठीक है। तो विंड रिकॉर्डिंग पे सर्च करोगे तो ऑटोमेटिक ये कार का पता चलेगा, वो नहीं हो रहा है तो इधर आप मैन्युअली विंड टाइप भी कर सकते हो। टाइप करोगे तो भी आपको डायरेक्टली मतलब आपको मालूम नहीं कार कौन सी है, कौन सी कार में लगाया है, उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर वगैरह पता नहीं, तो खुद का कुछ स्कैनर पता करता है, ठीक है। तो अभी हमें मालूम है हमारी वॉक्सवैगन की है, तो उसमें चलते हैं। ये देखो ये LED भी चेंज हो गया जैसे ही कनेक्ट हो गया वो तब, ठीक है। अभी ये हो रहा है, होने देते हैं इसको और देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, ठीक है। और ये जो स्कैनर मैंने बताया ये सबसे कम प्राइस का क्यों है, क्योंकि ये ऐसा प्रोफेशनल स्कैनर आप लेने जाते हो तो आपको लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यही स्कैनर आप सिंगल सिंगल इसमें ब्रांड खरीदते हो तो आपको महंगा पड़ता है, आपको एक दो ब्रांड पर्सनल यूज़ के लिए लेना है तो ये इंडिया में 10 हज़ार का हार्डवेयर मिलता है खाली, उसमें एक ब्रांड भी मिलता है। और एक ब्रांड लेना है या फिर दूसरा ब्रांड लेना है तो पर ब्रांड के लिए और पर स्पेशल फंक्शन के लिए आपको लगभग $39.40 पे करने पड़ते हैं, लगभग $40 मतलब 3-3.5 हज़ार रुपये एक ब्रांड के लिए खर्च करने पड़ते। तो ऐसा करोगे तो ये काफ़ी महंगा हो जाता है। तो एक दूसरी अच्छी बात है इसमें पैकेज अवेलेबल है, एक ईयर का पूरा आपको पूरे ब्रांड है और पूरे स्पेशल फंक्शन है उसका पैकेज मिल जाता है। तो ऐसे पैकेज वगैरह आप लेते हो तो लगभग 30,000 तक ये स्कैनर के साथ आपको सारे ब्रांड और सारे स्पेशल फंक्शन इसमें मिल जाते हैं इंडिया में, ठीक है। इंटरनेशनल मंगाते हो तो थोड़ा सस्ता मिलता है, लेकिन कस्टम का वगैरह पे करना पड़ता है, वो थोड़ा लेट होता है, वो काफ़ी सारी दिक्कतें होती है, ठीक है। मैं दोनों लिंक दे दूंगा आपको और डिस्क्रिप्शन में इंडियन भी दे दूंगा और इंटरनेशनल जो कंपनी की लिंक है, कंपनी की वेबसाइट है, वो भी दे दूंगा, ठीक है। तो अभी ऑनलाइन फंक्शन देखते हैं हम। ऑनलाइन फंक्शन आपको एकदम प्रोफेशनल स्कैनर है उसमें ही मिलते हैं, इसका ABS का कोडिंग वगैरह जो करना पड़ता है या फिर ECU का कोडिंग वगैरह है उसके, ठीक है। तो PF फाइल डाउनलोड हो रही है, कोडिंग की हो गई, ठीक है। सिंगल सिस्टम मोड लेते हैं हम, ठीक है। ये देखो ये हम कोडिंग कर सकते हैं जितने भी चीज़ें इसमें लगी है। अभी ECU में जाते हैं, ठीक है। ये देखो ये हमारा बैकअप का कोड है, ये हमारा करंट कोड है। तो इसमें दो कोड पॉसिबिलिटी है, ये दोनों मार्के हमें देखने पड़े। अभी हम हमारा कोडिंग है ये प्रॉपर है, ठीक है। तो हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नया ECU वगैरह डालते हैं तो होता है, लेकिन ECU का जो अडेप्टेशन है वो नहीं होता, उसके लिए ODC लगता है। कोई भी स्कैनर ले लो उससे होता नहीं है ये, ठीक है। वॉल्सवैगन की बात कर रहा हूँ, बाकी जो ECU रिप्लेस करना वगैरह होता है फोर्ड में मारुति में वगैरह, वो सब आप जो भी करना है वो कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो अभी हम हेल्थ रिपोर्ट चेक करते हैं, ठीक है। हेल्थ रिपोर्ट में जाते हैं, ये देखो ये हेल्थ रिपोर्ट ऐसे स्कैन करेगा, और स्कैन करने के बाद जो भी मतलब गाड़ी की पूरी हिस्ट्री है पूरी हिस्ट्री देगा हमें, क्या क्या फॉल्ट है, कौन सी यूनिट में फॉल्ट है, ठीक है। उसका कोड क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो पूरा देगा, ठीक है। अभी होने देते हैं इसको, थोड़ा टाइम लगेगा। और इसके डाउनसाइड की बात करें तो एक तो इसके डाउनसाइड है, इसको आपको नेट की ज़रूरत रहती है क्योंकि ऑनलाइन फंक्शन है, इसमें ऑनलाइन ये कनेक्ट करना पड़ता है। अभी भी मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया है, ये एक इसकी डाउनसाइड है, ठीक है। और दूसरी डाउन साइड है, आप सिंगल सिंगल ब्रांड परचेस करते हो तो थोड़ा आपको महंगा पड़ सकता है, ठीक है। ये इसकी डाउन साइड है, दूसरी कुछ डाउन साइड नहीं है, क्योंकि ये जो स्कैनर है मतलब आप प्रोफेशनल स्कैनर ही मतलब जो 80-90 हज़ार का स्कैनर होता है वो जितना काम करता है उतना ही काम ये कर लेता है। और दूसरी अच्छी बात है, ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ओरिजिनल स्कैनर है, ठीक है। तो बहुत से डुप्लीकेट भी आते हैं, जैसे कि डाइक जोन वगैरह, डुप्लीकेट मतलब वो जो स्पायराइटेड वगैरह होते हैं डाइक जोन वगैरह, वैसा नहीं है। ये डाइक जोन वगैरह लेने जाते हो तो भी लगभग इतने ही पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इससे ज़्यादा भी करने पड़ते हैं, ठीक है। तो जो क्रैक है जो भी मतलब स्पायराइटेड है उसके प्राइस में आपको ओरिजिनल मिलता है, ये एक अच्छी बात है इसकी, ठीक है। अभी 91% हो गया, थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर होगा लेकिन मैं पूरा डिटेल्स दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहिए तो पॉज भी कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि कितना टाइम लगता है वो भी आपको पता चलना चाहिए।
ये देखो ये पूरा रिपोर्ट हमारा जनरेट हो गया है। ठीक है, अभी आते हैं रिपोर्ट पे और रिपोर्ट देखते हैं। जो रिपोर्ट है आपके हिस्ट्री में रह जाता है, मतलब आपको अगर बाद में भी देखना रहता है वही सेम गाड़ी आई तो पिछले टाइम क्या फॉल्ट था, तो वो सब आपको समझ में आता है। ये देखो सब आ गया है, देखो वॉल्सवैगन ब्रांड है, मॉडल नहीं आया है इसमें। ठीक है, 2011 की है, रनिंग कितना हुआ है, मतलब आप सब हिस्ट्री भी रख सकते हो। आपका गैरेज है तो कस्टमर की कार की पूरी हिस्ट्री रख सकते हो, तब आप पिछले टाइम आए तो क्या फॉल्ट था, कितना रनिंग था, वो भी आप रिपोर्ट निकाल के ले सकते हो। ये देखो ये एक बॉडी कंट्रोल सिस्टम में इश्यू है रेडियो में। ठीक है, ये देखो गेटवे में, ये देखो रेडियो नो सिग्नल कम्युनिकेशन। ठीक है, वही एक फॉल्ट कोड है, बाकी ग्रीन है तो बाकी सभी यूनिट में कुछ भी फॉल्ट नहीं है। ठीक है, ये हमारा हेल्थ रिपोर्ट आ गया। ठीक है, अभी जाते हैं हम बेसिक सेटिंग में, सिस्टम सिलेक्ट करते हैं, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, ये सब हमारे इश्यू की डिटेल्स, विन नंबर वगैरह आ गया। ठीक है, इसमें आप डिटेल सिंगल सिंगल करेंगे। मैं रिपोर्ट किया तो वो क्या किया, जितने भी यूनिट लगे हैं हमें हमारी कार में, जैसे कि ABS लगा हुआ है, एयरबैग लगे हुए हैं, ECU लगा हुआ है, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, वो सब है। ठीक है, इसमें आप सिंगल सिंगल यूज़ कर सकते हो। ये देखो जो भी है सिंगल, इसमें फास्ट हो जाता है, तो हमें इंजन का देखना है तो इंजन का। ठीक है, सिंगल सिंगल गए हम, फॉल्ट कोड आप डाटा स्ट्रीम इसमें आप देख सकते हो। तो ये देखो ये सारे डाटा स्ट्रीम आपको मिल जाते हैं। ये देखो इंजेक्टर की डेविएशन वैल्यू है, ये सब मतलब इंजेक्टर कौन सा गया है कौन सा नहीं गया है, तो इस पर आपको ये जो डाटा स्ट्रीम है या फिर लाइव डाटा कहते हैं इसमें, लाइव डाटा में पता चलता है। ठीक है, तो ये भी देख सकते हो। इसके बाद एडेप्टेशन है, ये देखो एडेप्टेशन में आपको इंजेक्टर के ये देखते हैं, इंजेक्टर कोडिंग कर सकते हैं। ये देखो ये करंट कोड है, आपको अगर इनपुट करना है तो दूसरा कोड कर सकते हो, इंजेक्टर कोडिंग में एकदम ईजिली इसे कर सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद बेसिक सेटिंग में देखो EGR का एडेप्टेशन कर सकते हो, टर्बो का एडेप्टेशन कर सकते हो। ये जो एडेप्टिव इंजेक्टर मिनिमम डेविएशन क्वांटिटी, जो इंजेक्टर हम डालते हैं और नॉकिंग वगैरह आता है ना उसके लिए ऑटोमेटिक गाड़ी रेस होती है कम ज़्यादा, वो आपको पता होगा मेरे वीडियो में, तो अलग कैनर्स किया है मैंने। ठीक है, वो कर सकते हो इसमें। एग्जॉस्ट गैस EGR की टेस्ट कर सकते हो, कॉम्प्रेशन टेस्ट है, इनिशियल फ्यूल फिलिंग, रीसेट वैल्यू, मतलब जो कंपनी के स्कैनर में आता है वो सब कर सकते हो। हम ऑक्सीजन वैल्यू रीसेट कर सकते हो। ठीक है, इतने सारे जो ऑप्शन हैं वो आपको मिल जाते हैं इसमें। सर्विस रीसेट का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको, मैं सर्विस रीसेट करा के दिखाता हूँ मैं आपको। अभी हम स्पेशल फंक्शन में देखेंगे सर्विस रीसेट करके। तो अभी देखो मेरी सर्विस 13 दिन और 5,800 किलोमीटर में ड्यू है। ठीक है, तो अभी सर्विस रिसेट करके देखेंगे। ये जो सर्विस रिसेट है जब आप ऑयल वगैरह चेंज करते हैं तब करनी पड़ती है। ठीक है, मैं अभी आपको करा के दिखाता हूँ। तो अभी हमें सर्विस रिसेट करनी है। ठीक है, इसलिए मैं जाता हूँ मेंटेनेंस फंक्शन में। तो मेंटेनेंस फंक्शन में आपको रिसेट ऑयल मिलेगा, मतलब वही होता है ऑयल रिसेट या फिर सर्विस रिसेट। ऑयल की लाइट लगती है, मतलब जब भी हमारा ऑयल चेंज ड्यू होता है तभी लगती है। ठीक है, तो इसको ओपन कर देता हूँ मैं। ठीक है, ओपन हो रहा है। ठीक है, इसमें हमारा ब्रांड कौन सा है, वॉल्सवैगन। ठीक है, उस पर गया मैं, ओके किया। ठीक है, ऑटो रिसेट में जाता हूँ मैं। ऑटो रिसेट में गया, इंजन ऑयल सर्विस लैम सर्विस पर रेट सेटिंग। ठीक है, और ऑटोमेटिक सेकेंडरी, ये 15,000 के लिए रहता है तो 15,000 कर दिया मैंने। ठीक है, 15,000 पर क्लिक किया, ये देखो ये हो गया हमारा। ठीक है, 365 डे और 15 दिन, ओके कर दिया। ठीक है, अभी देखते हैं, फोकस कर लेता हूँ। ये देखो एकदम इजीली हमारी सर्विस रिसेट हो गई है 15,000 किलोमीटर और 365 डेज के लिए। तो इसी तरह मैंने आपको सारे जो ऑप्शन मिलते हैं सारे डिटेल्स में मैंने बता दिए। ठीक है, जो जो ब्रांड है वो भी मैंने दिखा दिए, सारे ब्रांड है इंडिया में, जितने भी ब्रांड है वो सारे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल भी सारे ब्रांड आपको मिल जाते हैं इसमें। इसके बाद यूज़ करने में काफ़ी अच्छा है, जो भी फंक्शन कंपनी दिए हुए रिसेट फंक्शन है या फिर रेगुलर जो बेसिक सेटिंग है, लाइव डाटा है, वो सारा एकदम प्रॉपर बता देता है, कुछ भी इसमें बग्स वगैरह नहीं है। इसके बाद इसके जो प्राइस है वो बाकी स्कैनर से काफ़ी कम है। ठीक है, ये इसके काफ़ी अच्छे पॉइंट्स है। और निगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो एक ही निगेटिव पॉइंट मुझे लगा,
ठीक है, वो निगेटिव पॉइंट है, नेट के साथ आपको इसको कनेक्ट रखना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद इसके साथ ये जो टैब है ये नहीं आता है, टैब हमने अलग से परचेज़ किया है, सिर्फ आपको खाली हार्डवेयर मिलेगा जो मैंने बॉक्स में बता दिया वो वाला। ठीक है, या चाहिए तो आप आपके मोबाइल में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो, एंड्रॉयड में या फिर आईफोन में। ठीक है, ये सारे ब्रांड आपको मिल जाते हैं और मैंने ये यूज़ किया है एक महीने से, इसमें किधर भी आपको कुछ दिक्कत नहीं आती, किधर भी ऐसा नहीं होता कि काम नहीं करता ये। तो मारुति में लगा के दिया, देखा टाटा में देखा, ठीक है, मारुति का भी इमोबिलाइजर प्रोग्रामिंग, एसी प्रोग्रामिंग की प्रोग्रामिंग ये सब हो जाता है इसमें। इसमें ये महिंद्रा का जो लॉक लगता है ये हमारे जाइलो में वगैरह, बोलेरो में वगैरह, वो भी लॉक इसमें खुल जाता है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन मिल जाते हैं आपको। तो आपको गैरेज के लिए लेना है तो काफ़ी अच्छा स्कैनर है, फुल ब्रांड के साथ आप लेते हो, पूरे पैकेज लेते हो तो काफ़ी अच्छा स्कैनर है। आपको पर्सनल यूज़ के लिए लेना है तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ हार्डवेयर के लिए 10,000 जाएंगे और ब्रांड के लिए अलग जाएंगे, वो तो अलग बात है। ठीक है, तो गैरेज लेवल के लिए या फिर आप गाड़ी का काम करते हो तो आपको ये स्कैनर काफ़ी अच्छा है आपके लिए, और रिपोर्ट वगैरह इसके जो मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं, कस्टमर को आप बेच सकते हो, हिस्ट्री देख सकते हो, तो ये सारी इसकी अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो आपको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कंपनी बिक की भी लिंक दे रखी है, या फिर इंडिया में आपको लेना है तो अमेज़न की वगैरह भी लिंक दे रखी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो, आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो में आपके लिए बनाता रहता है। ये वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।